फरुखाबाद पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो 28 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। कोर्ट से हत्या के मामले में जमानत पर रिहा हुआ यह आरोपी बौद्ध भिक्षुक बनकर दिल्ली में रह रहा था। फरुखाबाद जिले में अगस्त 1991 में हुई 6 लोगों की हत्या के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद से फरार चल रहे हत्यारे को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह नाम बदलकर और बौद्ध भिक्षु बनकर दिल्ली में रह रहा था। उसे जिला एवं सत्र न्यायालय से फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने इसे जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन जमानत के बाद से यह फरार हो गया और 28 साल तक लगातार पुलिस को चकमा देता रहा। आरोपी ने अपना नाम राम सेवक से बदलकर रटपाल रख लिया था और इसी नाम का आधार कार्ड भी बनवाया था, लेकिन जैसे ही वो अपने गांव बयाना पहुंचा तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। इस हत्याकांड में शामिल उसके दूसरे फरार भाई किशोरी लाल की तलाश पुलिस कर रही है। ये थाना कायमगंज क्षेत्र के अंतर्गत 1991 में जो लखनपुर ग्राम में सामूहिक हत्याकांड हुआ था, उसके अंदर जो राम सेवक जाटव नामक का अपराधी था वो जमानत के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसमें लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी डायरेक्शंस थे कि इस तरह के अपराधियों को जल्द से जल्द अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। उसी क्रम में लगातार हमारी टीम लगी हुई थी और 28 साल के बाद इसको थाना कायमगंज की पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। ये अपना नाम चेंज करके बदायूं डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहा था और इसने अपना आधार कार्ड भी चेंज कर लिया था और अपना हुलिया भी चेंज कर लिया था, और इसको थाना कायमगंज के द्वारा अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट कर आगे की विधानिक कार्रवाई इसके अंदर की जा रही है। इसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था, साथ ही साथ ही अपना इसने पूरा भेद भी बदल लिया था। हमें एक लीड मिली थी, उसके आधार पर इसको अरेस्ट किया गया।